मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा असाइनमेंट जो फर्स्ट आपको मिला था जेई के लिए, ठीक है ना, उसके डाउट लेक्चर्स का ये वीडियो है, ठीक है। पार्ट टू, पार्ट वन में हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए हैं और इस पार्ट टू में बाकी के जो एमसीक्यूज है आपके डाउट को वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 137 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए अपने असाइनमेंट में, अपने बाद में सोल्यूशन को देखिएगा कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 137 वाला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें असाइनमेंट शीट पर, तो आपको ये नजर आएगा कि भाई गिवन कंडीशन में वहां पे एंथैल्पी दी है फॉर्मेशन किसकी, अमोनिया के लिए। तो कितने दिए बेटा, -46 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड जो करने के लिए कहा गया है उसमें डेल्टा एच निकालना है किसके लिए, इस रिएक्शन के लिए। अब ये रिएक्शन बेसिकली क्या है बेटा, इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल का ब्रेकअप दिखाया है, बराबर है। सिचुएशन समझ में आ गई क्या है, क्योंकि अमोनिया मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है और अमोनिया की मॉलिक्यूल का डीकंपोजिशन एंथैल्पी पूछा है, ब्रेकअप वाली एंथैल्पी पूछा है। चलो मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई जो ऊपर की जो रिएक्शन है बेटा वो डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन है, ठीक है। गिवन वैल्यू क्या दी है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, वो भी ठीक है। इसका मतलब डीकंपोजिशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, फॉर्मेशन एंथैल्पी के समान ही रहेगी लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस में दी है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस में, इजी वर्ड, ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि आंसर आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके शीट्स पर ये क्वेश्चन ये आंसर भी दिया हुआ है, मतलब आप ठीक है ना, ए नंबर पर अगर देखेंगे आप तो ए नंबर पर 46 आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन देखो कंफ्यूज करता है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन बेटा ध्यान रखो 46 एक मोल के लिए है और क्वेश्चन में NH3 के कितने मोल दिए बेटा, 2 मोल है, ठीक है ना, आगे में 2। इस वजह से यहाँ पे हम उसको 46 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 होता मल्टीप्लाई बाय 3 करते, यहाँ पे 1/2 होता तो 46 को 1/2 करते, लगा ध्यान में, इस पर इस क्वेश्चन इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। तो ये आंसर आता बेटा 92, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, सी, ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये 138 क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बेटा हेस लॉ पर डिपेंड है, ठीक है ना। आप बोलेंगे हेस लॉ के तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए सर हमने, लेकिन इस पर खासियत क्या है, इस पर खास क्या है, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज को ट्विस्ट किया गया है, घुमा दिया है क्वेश्चन को। कैसे घुमाया, देखिए सर, आप अगर देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से 138 में, तो गिवन कंडीशन में आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, तो दो इक्वेशन आपको दिया हुआ है। पहले इक्वेशन का भी आपको डेल्टा एक्स दिया है, दूसरे इक्वेशन का भी आपको डेल्टा एक्स दिया है, और उसके बाद में देखो एक ठीक है ना वर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है उसमें, जो सेकंड इक्वेशन है उसमें ये जो H2O लिक्विड दिख रहा है, अगर वो H2O लिक्विड H2O गैस हो तो आपका डेल्टा एच क्या होगा, वैसा दिया हुआ है। इसका मतलब आपको क्या है, मतलब आपको हिंट दे रहा है वो, सेकंड इक्वेशन ही आपका रिक्वायर्ड मास्टर इक्वेशन है, तो कितना छुपा के दिया उसने, ठीक है ना, मतलब हिंट जो दिया है आपको, ये सेकंड इक्वेशन ही बेटा क्या है आपका मास्टर इक्वेशन है, उसको उतार लिया मैंने। और इस इक्वेशन के लिए क्या निकालना है बेटा, डेल्टा एच, और H2O लिक्विड की जगह पर क्या लिखना है आपको, H2O गैस, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगा। एक बार आपको मास्टर इक्वेशन मिल गया, आपको डाटा इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको पता है इस लॉ के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो बेटा आप इक्वेशन 2 को हमने सबसे पहले लिया, क्योंकि ये CH3OHO2 ये वाला फॉर्मेट आपको यहीं पे मिल जाता है, तो एज इट इज पूरा का पूरा सेम है, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वेशन को को एज इट इज छाप लिया है, ये छाप दिया, ठीक है ना, -4 1453 उसकी एंथैल्पी भी एज इट इज लिख दी। अब हमें ठीक है ना, ये H2O लिक्विड इस फॉर्मेट को यहां से हटाना है, ठीक है ना। तो सेकंड जो इक्वेशन है बेटा उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज तो लिखेंगे क्योंकि लिक्विड लिक्विड कैंसिल होना चाहिए, तो एज इट इज तो लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, 4, इसलिए यहां पे लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है ना। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 44 है, उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आ जाएगा प्लस 176, ठीक है ना। अब दोनों को सॉल्व ऐड करना है दोनों इक्वेशन को, ताकि मास्टर रिएक्शन आ जाए, तो मास्टर रिएक्शन आ गई, इसका मतलब हम ही एंथैल्पी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये -1453 और +176 को ये करेंगे तो -1277 आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। और ये आंसर आपने कहाँ पे दिया हुआ है एमसीक्यूज में, थर्ड नंबर पर, मतलब आंसर क्या रहेगा, सी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, 136 नंबर का क्वेश्चन जो आपका डाउट भी था, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब इस क्वेश्चन में
गिवन इसमें जो इक्वेशन दिया है बेटा उसको मैंने लिख लिया है बोर्ड पे, ठीक है। C57H104O16 सॉलिड फॉर्म में इसका कंबशन है ना, प्लस O2 गैसेस फॉर्म में इट गिव्स CO2 प्लस H2, फिर उसको बैलेंस करने के लिए वो बराबर नंबर्स आप देख सकते हैं। उसके बाद बेटा ये जो है C57H104O6 फैट्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके लिए उन्होंने क्या दिया है, फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है। क्या दिया है उन्होंने? फॉर्मेशन एंथैल्पी, ठीक है ना, माइनस में दी है। उसके बाद में वाटर की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है और CO2 की भी फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है, तीनों की फॉर्मेशन एंथैल्पी दी है। और पूछा क्या बेटा कि एनर्जी लिबरेटेड फॉर 1 ग्राम ऑफ फैट्स, भाई 1 ग्राम के लिए पूछा है, ठीक है ना। तो आपको मालूम है ये कंबस्शन रिएक्शन है फैट्स की, तो ये कितने, ये जितने भी ग्राम होगा उसके लिए पहले निकाल लेते हैं, ये इसका पहले ये जितने भी ग्राम होगा, ये ग्राम में इसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना ग्राम है ये, ठीक है ना। तो इस ग्राम, ठीक है ना, इसका जो भी ग्राम आएगा बेटा उसके लिए कितने एंथैल्पी पहले वो निकालेंगे, फिर 1 ग्राम के लिए निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो आपको मालूम है अगर फॉर्मेशन एंथैल्पी अगर दी है और किसी भी इक्वेशन के लिए आपको एंथैल्पी निकालना है, ये वाला फॉर्मूला जो है फॉर्मेशन एंथैल्पी वाला, ये सबसे सुटेबल ये है, ठीक है ना, फॉर्मेट है। तो देखो इसमें समेशन फॉर्मेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस समेशन फॉर्मेशन एंथैल्पी रिएक्टेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में CO2 उसके एंथैल्पी, उसके सामने का मोल 57 प्लस वाटर के एंथैल्पी उसके सामने का मोल 52, फिर माइनस के रिएक्टेंट साइड में बेटा उसके सामने कोई मोल नहीं है, तो सीधा उसके एंथैल्पी जो है वही पुट कर दी, फिर प्लस 80 मतलब ये ऑक्सीजन के सामने का मोल, लेकिन O2 जो है बेटा वो तो एलिमेंट है, उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी तो हम 0 लेते हैं, हमने 0 ले लिया, ये वाली टर्म्स बेटा यहाँ पे कट जाएंगे, बराबर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर आएगा 52, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस करके इस तरह से आ जाएगा, अरे प्लस माइनस ये माइनस पर आएगा, तो दोनों माइनस माइनस में टर्म्स है, इसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद बेटा ये नंबर आता है माइनस में, और ये प्लस 78, ठीक है ना। फिर उसमें से इस 37 वाले जो माइनस वाले टर्म को माइनस करेंगे तो इस तरह से प्लस में ये आंसर आएगा। तो ये आ गया बेटा रिएक्शन की एंथैल्पी, ठीक है ना, ये जो रिएक्शंस दी है उसकी एंथैल्पी आ गई, बराबर है, उसकी एंथैल्पी आ गई, ठीक है ना। इसको हम किलो जूल पर मोल ले सकते हैं क्योंकि 1 मोल के लिए, बराबर है। चलो अब क्या करना है बेटा, ये जो हमने देखा कि इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, जो फैट्स का फार्मूला है बेटा उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो C57H104O16 को पहले हमने ग्राम में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना रहता है बेटा, 12 ग्राम, उसका नंबर, फिर ये 1 ग्राम उसका नंबर, और एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम उसका नंबर, सबको ऐड कर दो, ये ग्राम में आ गया बेटा 884 ग्राम। तो फिर देखो हम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, ग्राम में आने के बाद में